YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी की जोनल कमांडर और 10 लाख रुपए का इनामी उग्रवादी छोटेलाल यादव और छोटे यादव संगठन की कार से चैनपुर क्षेत्र में आने के दौरान पलामू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दबोचे गए उग्रवादी के खिलाफ गढ़वा जिले के विभिन्न थानों में 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिला पुलिस अधीक्षक इंद्रित माथा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के कुटी मोड़ के समीप लगाए गए गुप्त नाका के पास मोटरसाइकिल से 2 सवार व्यक्ति पुलिस को दिखला दिए, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ते हुए दोनों में से एक गढ़वा जिले के धुरकी थाना अंतर्गत डोलगांव निवासी छोटेलाल यादव को दबोच लिया। जबकि अंधेरे व क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेकर रक्सी रमकंडा निवासी दूसरा व्यक्ति संजय यादव भाग जाने में सफल रहा। इस संबंध में चैनपुर थाना में कांड संख्या 215 भारतीय दंड विधान की धारा 414 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस कप्तान श्री माथा ने जोनल कमांडर छोटेलाल की गिरफ्तारी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। आज प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि गिरफ्तार उग्रवादी वर्ष 2008 में भाकपा माओवादी संगठन से जुड़ा और भंडरिया में आईडी विस्फोट कर पुलिस हथियार ले भागने जैसी घटना में शामिल रहा था। वर्ष 2012 में यह जेजेएमपी नक्सली संगठन में आया और 2016 में इसे संगठन का जोनल कमांडर बना दिया गया। वर्ष 2018 में पलामू पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में यह शामिल रहा था। श्री माथा ने कहा, नक्सली खात्मे की दिशा में पलामू पुलिस सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है, नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। कल 1 नवंबर 2018 को चैनपुर थाना अंतर्गत कुटी मोड़ के पास से जेजेएमपी के जोनल कमांडर छोटेलाल यादव को गिरफ्तार किया गया। हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी कि वो उस क्षेत्र से जो है किसी कार्य के लिए गुजर रहा है बाइक से अपने एक साथी के साथ। इसी आधार पे हम लोगों ने वहाँ पर एम्बुस लगाया था और उसी एम्बुस में जो है उसको गिरफ्तार किया गया। इस पूरे अभियान का नेतृत्व हमारे एडिशनल एसपी ऑपरेशन श्री अरुण कुमार सिंह ने किया और उसमें चैनपुर के थाना प्रभारी एवं चैनपुर के इंस्पेक्टर लोगों इनको इन लोगों का भी सहयोग था। तो कुल मिला के जो है यह पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह इसके ऊपर झारखंड सरकार गृह विभाग द्वारा 10 लाख का इनाम घोषित है। वर्ष 2008 में यह भाकपा माओवादी में शामिल हुआ था। वर्ष 2012 में यह जेजेएमपी संगठन में आया और 2016 में यह जोनल कमांडर बन गया। इसके ऊपर जो है 10 लाख का इनाम था। चूँकि जब यह भाकपा माओवादी संगठन में था तब इसने मृत्युंजय और नवीन वगैरह के साथ मिलकर भंडरिया के पुलिस कर्मियों को जो है आईडी विस्फोट करके जो है हत्या कर दी थी और कुछ हथियार भी लूट के ले गया था। इसके अलावा जो है 2010 में जो है तत्कालीन विधायक को चिनिया में जो है इसने हमला भी किया था। तो इन सभी कांडों में उसने अपनी स्वीकारोक्ति की है। इसके अलावा जनवरी 2018 में पलामू पुलिस के साथ भी इसका एक मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ में ये लोग भागे थे और पुलिस ने काफ़ी उसमें सामान रिकवर भी किया था। तो कुल मिला के जो है पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग जो है लगातार जो है नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं और भविष्य में भी चलाते रहेंगे।